ये अघोषित इमरजेंसी नहीं तो क्या है? सवाल का जवाब दे नरेंद्र मोदी की सरकार, सवाल का जवाब दे। जब हम तलवार और बंदूक लेकर के चलते थे तब हमें इतनी समस्या नहीं आई, जब हमने ये संविधान लेकर के चलना शुरू कर दिया ना, तब से इन्होंने हमें यूं दबा दिया है, यूं दबा दिया है, हमारे गले पर पैर रखा है इन्होंने। मुझे 3 राज्यों की पुलिस सर्च कर रही है, तलाश कर रही है। मैं इस देश के संविधान के प्रति मर मिट जाऊंगा, मैं इस देश के संविधान के प्रति अपनी जान भी न्योछावर कर दूंगा, लेकिन टूटना हारना हमने सीखा नहीं है। यह ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी की सरकार, क्रांति तो अभी शुरू हुई है, बेशक हमारी आंखों में आंसू हैं, खत्म होने की कगार पर आ चुका है देश का संविधान। अगर बचा सकते हो ना तो बचा लो, क्योंकि नवाब सतपाल तंवर आज तक आपके सामने आंसू नजर नहीं आए होंगे, जेल भी काटी है, आंसू नजर नहीं आए होंगे। बहुत कोशिश कर रहा हूं रोकने की, बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हमें कुचल दिया गया है। कड़वी सच्चाई बता रहे हैं, अगर आप इस देश के संविधान को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। बता दे रहे हैं दिल्ली पुलिस, ध्यान रखना, आसपास ही रहूंगा, नारपुर कब पहुंच जाऊं आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। ये क्रांति अब बढ़ेगी पूरे देश भर में, बता दे रहे हैं हम आपको। जिसके मां ने दूध पियाया हो ना, और नरेंद्र मोदी बात सुन ले, नरेंद्र मोदी अगर तेरी मां ने दूध पियाया, गिरफ्तार करके दिखा, खुला चैलेंज देता हूं, खुला चैलेंज देता हूं, और ये मान सम्मान स्वाभिमान मैं लेकर के रहूंगा नरेंद्र मोदी, ध्यान रखना, खुला चैलेंज है तेरे लिए। एटम बम के बराबर की ताकत रखते हैं ये मेरे भीम सैनिक, एटम बम के बराबर की ताकत रखते हैं, तेरा तख्ता पलट कर देंगे, ध्यान रखना नरेंद्र मोदी, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखा। क्रांतिकारी जय भीम, मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता, बहुजन समाज का ये उभरता हुआ उगता हुआ सूर्य है या फिर डूबता हुआ सूरज है, मैं नहीं जानता, लेकिन आज जो हालात राजधानी दिल्ली में पैदा किए गए ना, तानाशाही हो चुकी है। आप देख लीजिए, आपके सामने है, अब खुली किताब है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तानाशाही जो दिल्ली में खेल खेला गया, वही 8 मई को खेल खेला गया, वही आज 22 मई को खेल खेला गया, साजिशन तरीके से हमारे आंदोलन को, जंतर मंतर पर जो आंदोलन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उस आंदोलन को कुचला गया, दफन किया गया। अब ये बताएं, सवाल मैं देश से पूछूंगा, अब ये बताएं क्या अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में है? अब ये बताएं क्या इस देश में संवैधानिक मौलिक अधिकारों का पालन नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है? सवाल का जवाब पूरा देश देगा, और पूरा देश देख रहा है इस तानाशाही को, लेकिन घर में बैठे जो आज भी खामोश दुबके रहे ना, गुलामी का समय आ गया है, गुलामी का समय आ गया है, बेड़िया तैयार है, पिछवाड़े पर झाड़ू तैयार है। ना हम हारे थे, ना हम हारेंगे, ना हम टूटे थे, ना हम टूटेंगे, ना हम झुके थे, ना हम झुकेंगे। सामना कर रहे हैं हम इस सरकार का, मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज कर लिए गए, अंदर तिहाड़ जेल में हमें भेज दिया गया, तिहाड़ जेल में हमें भेज दिया गया, फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। और जब 22 मई 2022 आज के दिन, जब राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हमने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया, हमारी बकायदा दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन हो चुकी थी, वो लेटर है हमारे पास, हमें अलाउ किया गया था, हमें परमिशन दी गई थी, हमें इजाजत दी गई थी, आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ, आखिर रातों रात क्या ऐसा पलट गया कि हमारी परमिशन रातों रात रद्द करनी पड़ी? मुझे दुख अपना नहीं है, मुझे दुख उन भीम सैनिकों का है, गला भर आया है आज हमारा, भैया जी का गला भर आया है। सोच लीजिएगा क्या हालात देश में पैदा कर दिए गए। जितने साथी जुड़ रहे हैं ना, खामोश मत बैठिएगा, खामोश मत बैठिएगा, मैं कुछ छिपा रहा हूं आपसे, मैं कुछ आपसे छिपा रहा हूं, क्योंकि मुझे दुख अपने उन भीम सैनिकों का है जो मध्य प्रदेश से, राजधानी दिल्ली से,
जो हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से, बिहार से और अलग अलग राज्यों से जो चल करके आज हजारों की संख्या में हमारे भीम सैनिक पहुंचे थे ना, उनको घुटनों के बल चला दिया, हमारी परमिशन को रद्द किया, जो हमारी परमिशन, हमारा मंच लगा हुआ था, हमारे मंच पर आरएसएस का कब्जा करा दिया, हमारे मंच पर आरएसएस वालों को बैठा दिया जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, उन लोगों को बैठा दिया यहां पर। आपको लगता है हिंदू राष्ट्र इस देश को हम बनने देंगे? हां, बेशक मैं भावुक हूं, हां बेशक मैं परेशान हूं अपने भीम सैनिकों को लेकर के, जो आज पूरा दिन इस गर्मी में, इस मौसम में राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उन्हें दौड़ाया गया ना, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बताए दे रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कुछ छिपा रहे हैं आपसे? हमने दाड़ना सीखा है, हमने आवाज उठाना सीखा है, हमने बोलना सीखा है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने सिखाया हमें। लेकिन आज जो हमारे साथ किया जा रहा है ना, वो बहुत गलत है। 8 मई 2022 की सुबह सुबह बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा, जो हमारे महापुरुष है, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा जो हमारे महापुरुष है, जो संविधान निर्माता है इस देश के, उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क को नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। हम लड़ाई लड़ते हैं, हमें जेल में डाल दिया जाता है। अरे भाई, शेयर करने की आवश्यकता पड़ेगी, आप करेंगे, भावुक जरूर है, लेकिन भैया जी नवाब सतपाल तंवर टूटे नहीं है, हारे नहीं है, झुके नहीं है, लड़ेंगे। अब ये देखते हैं इस जंग के मैदान में कौन कौन आते हैं। हमारी बसें रोक ली गई जगह जगह पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर, गुड़गांव बॉर्डर पर, पूरे दिल्ली पर जैसे इमरजेंसी लागू हो गई हो। ये अघोषित इमरजेंसी नहीं तो क्या है? सवाल का जवाब दे नरेंद्र मोदी की सरकार, सवाल का जवाब दे। मैं जब तलवार और बंदूक लेकर के चलता था ना, जब मुझे इतनी समस्या नहीं आई, जब हम तलवार और बंदूक लेकर के चलते थे तब हमें इतनी समस्या नहीं आई, जब हमने ये संविधान लेकर के चलना शुरू कर दिया ना, तब से इन्होंने हमें यूं दबा दिया है, यूं दबा दिया है, हमारे गले पर पैर रखा है इन्होंने। मुझे 3 राज्यों की पुलिस सर्च कर रही है, तलाश कर रही है। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को, इस देश के संविधान को यूं अपनी छाती से लगाए हुए हूं। मैं इस देश के संविधान के प्रति मर मिट जाऊंगा, मैं इस देश के संविधान के प्रति अपनी जान भी न्योछावर कर दूंगा। लेकिन टूटना, हारना हमने सीखा नहीं है, यह ध्यान रखना। नरेंद्र मोदी की सरकार, क्रांति तो अभी शुरू हुई है। बेशक हमारी आंखों में आंसू हैं, ये दर्द के आंसू हैं। हम अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मान सम्मान स्वाभिमान नहीं बचा सकते, हमें अधिकार नहीं है, हमें अधिकार नहीं है जो हम बाबा साहब अंबेडकर जी के इस संविधान की हम पालना नहीं कर सकते, हम संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, हम बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा की रक्षा नहीं कर सकते, उनके उसूलों की रक्षा नहीं कर सकते, हम उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। लानत है हमारे ऊपर, बताई दे रहे हम आपको। गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा पूरा और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों की, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों की पुलिस हमारे पीछे लगी है। हम सड़क पर हैं, हम नहीं जाएंगे अपने घर, नहीं जाएंगे। ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी और अदालत में भी लड़ी जाएगी। मैं पूछूंगा, मैं इस देश से सवाल पूछूंगा, अगर मेरी गिरफ्तारी भी होगी ना तो भी मैं इस देश से सवाल पूछूंगा, क्या इस देश में, क्या इस भारत देश के संविधान को सचमुच खत्म कर दिया गया? क्या मनुस्मृति अब लागू हो जाएगी? हो जाएगी ना, मनुस्मृति अब लागू हो जाएगी।
माफी चाहते हैं, हम ना झुके थे ना झुकेंगे, ना टूटे हैं ना टूटेंगे। नाहरपुर गांव के निवासी मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहुत उम्मीद करती है। नाहरपुर रोहिणी सेक्टर 7, नाहरपुर गांव के मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग माताएं, मेरी बहनें, मेरे अपने मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, भरोसे पर कायम रहे हैं हम हमेशा। लेकिन लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, ध्यान रखना। जब नवाब सतपाल तंवर आप शेर कहते हो ना, जब ये शेर नहीं झुका, जब ये शेर नहीं टूटा और दिल्ली जाकर के आया, और दिल्ली ही हूं बता रहा हूं मैं, दिल्ली ही हूं, सड़क पर रहूंगा जब तक बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा वापस नहीं लगाई जाती पूरे सम्मान के साथ, जब तक बाबा साहब अंबेडकर जी का पार्क हमारे हवाले नहीं किया जाता, तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। हाँ, जेल हो जाएगी, जेल काटने को तैयार है, पीछे भी गए ना तिहाड़ जेल में, जेल काटने को तैयार है हम। लेकिन बता दे रहे हैं हम आपको, दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस के अधिकारी नहीं चला रहे, दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नहीं चला रहे, दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं, एसीपी हैं, वो नहीं चला रहे। दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, विधायक और सांसद चला रहे हैं, इनके मंत्री चला रहे हैं। अब ये देश का संविधान खत्म होने की कगार पर आ चुका है, देश का संविधान। अगर बचा सकते हो ना तो बचा लो, क्योंकि नवाब सतपाल तंवर आज तक आपके सामने आंसू नजर नहीं आए होंगे, जेल भी काटे है, आंसू नजर नहीं आए होंगे। बहुत कोशिश कर रहा हूं रोकने की, बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लेकिन हमें कुचल दिया गया है। एक कड़वी सच्चाई बता रहे हैं, देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है, कड़वी सच्चाई बता रहे हैं। अगर आप इस देश के संविधान को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। जब भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर खुद ही कह रहे हैं इस बात को, देश में इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है, और बाबा साहब जी का जो संविधान है ना, बाबा साहब अंबेडकर जी का, इसे खत्म करके मनुस्मृति लागू की जाएगी। लेकिन हम लड़ेंगे, देख लड़ेंगे, अरे भैया जी लड़ेंगे, बता दे रहे हैं भैया जी लड़ेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, झुकने नहीं देंगे और ना झुकेंगे, बताए दे रहे हैं। अगर देश और बहुजन समाज में जरा सी भी, अगर जितने भी संगठन है, अगर जरा सी भी अगर लानत और जरा सा भी हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति सम्मान बचाओ या हमारे प्रति सम्मान बचाओ, आप देख लीजिए अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम मरते दम तक एक साथ लड़ेंगे, हम मरते दम तक संविधान की रक्षा करेंगे, हम मरते दम तक अभी अपने संविधान को झुकने नहीं देंगे। ना नवाब सतपाल तंवर तो टूटा नहीं था और ना टूटेगा, टूटेगा भविष्य में, कभी नहीं टूटेंगे। बता दे रहे हैं नवाब सतपाल तंवर ना हारे थे ना हारेंगे, ना झुके थे ना झुकेंगे, ना टूटे थे ना टूटेंगे। नाहरपुर गांव के सभी साथियों को कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये लोग हमें कानूनी बंदी से लगा करके कमजोर करने का काम कर सकते, हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है चोर कितना बाजू है कातिल में है। अब भी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, और जब बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के काम ना आए वो बेकार गई जवानी है। क्रांतिकारी जय भीम। बता दे रहे हैं दिल्ली पुलिस, ध्यान रखना आसपास ही रहूंगा, नाहरपुर कब पहुंच जाऊं आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। ये क्रांति अब बढ़ेगी पूरे देश भर में, बता दे रहे हम आपको, माफ कर दीजिएगा, कभी आंसू नजर नहीं आए थे, माफ कर दीजिएगा हमें, हमें माफ कर दीजिएगा बहुजन समाज के मेरे साथियों, हमें माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। लेकिन मरते दम तक लड़ेंगे ना, भरोसा, भरोसा है ना, भरोसा है ना, इस भरोसे को बनाए रखना, बस मरते दम तक लड़ेंगे। सड़क पर रहूंगा, सड़क पर, अपने घर नहीं जाऊंगा, सड़क पर रहूंगा जब तक ये मान सम्मान स्वाभिमान वापस मैं प्राप्त ना कर लूं ना, अपने घर नहीं जाऊंगा, सड़क पर रहूंगा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तीन राज्यों की पुलिस हमारे पीछे लगी है, गिरफ्तारी से नहीं डरते हम, सड़क पर रहेंगे, और हिम्मत है किसी की तो कर ले गिरफ्तार। जिसकी मां ने दूध पियाया हो ना, और नरेंद्र मोदी, बात सुन ले नरेंद्र मोदी, अगर तेरी मां गिरफ्तार करके दिखा, खुला चैलेंज देता हूं, खुला चैलेंज देता हूं, और ये मान सम्मान स्वाभिमान मैं लेकर के रहूंगा नरेंद्र मोदी, ध्यान रखना,
खुला चैलेंज है तेरे लिए। मान सम्मान स्वाभिमान मैं वापस लेके रहूंगा। वन मैन आर्मी अकेला नवाब सतपाल तो और काफी है, लेकिन जितने साथी मुझे देख रहे हैं ना, एटम बम के बराबर की ताकत रखते हैं ये मेरे भीम सैनिक, एटम बम के बराबर की ताकत रखते हैं, तेरा तख्ता पलट कर देंगे, ध्यान रखना नरेंद्र मोदी। हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखा, करवा के दिखा, दूध पियाया तो गिरफ्तार करवा के दिखा। क्रांतिकारी जय भीम है।